बिसम रे के, के साथ में ख़ार का आदमी और इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया ये इनकार क्या हुकूमत ने किया है या फिर बड़ों ने किया है इसकी तफसीत आपको बताएंगे तो अब इस इनकार के बाद लगता ही है, है कि तहरीकन साहब बंद गली में फंस गई है वैसे तो खान साहब से मुलाकात के लिए तहरिकाब ने अपनी शरात में किसी हद तक नरमी कर ली है मगर इसके बावजूद चूँकि हुकूमत इनकार कर चुकी है तो तहरीक साहब ने इस्लाबाद पर यलगार का एलान किया है अब वो पंद्रह अक्टूबर को इस्लाम जाते हैं तो मार खाते हैं नहीं जाते है, तो मार खाते हैं और वजीर अल के पी के कहते हैं हम जरूर जाएंगे लेकिन उम्मीद है कि हमें मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी तहरकिन साहब के किस रहनुमा ने कुर्बानी देने का ऐलान कर दिया और ये ऐलान किया कि किसी की लाश नहीं मिलती तो मेरी लाश हाजिर है कल हाँ साहब ने भी अपनी वसीयत का ऐलान किया था तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है क्या हो सकता है क्या होने जा रहा है इस सब की तफ़ीत आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगी इसके अलावा हालात में चिंगारी लगाने के लिए कराची में कल लाठी गोली चली और आज लाहौर में चल गई तो पंजाब पुलिस ने किस तरह मरियम नवाज़ की नाक कटवा दी शर्म का मुकाम है इसकी तफ़ीलत आपको बताएँगे लाहौर के सबसे महंगे तलीमी इदारे पंजाब कॉलेज में क्या किसी लड़की के साथ मुबैन तौर पर ज़्यादती की गई है ये वाक़ क्या है इसके हक़ क्या है इस पर रद्द क्या हुआ है किस तरह पुलिस ने तलबा को आज जो है वो धोबी घाट पर जिस तरह कपड़े धोते हैं उस तरह धोया है तालबात है उनको कमरों में बंद किया गया हरासा किया गया ये सारे वाक़ क्या बताते हैं किस तरह किस तरफ इशारा करते हैं नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मोदी अगर पाकिस्तान आते तो ज़्यादा अच्छा होता है ये बात उन्होंने किससे कही कौन सी खातून उनसे मुलाकात के लिए पहुंची और एक और अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई दोनों का तल्लुक़ भारत से है इस पर बात करेंगे इसके अलावा चीनी वजीर पाकिस्तान पहुंच गए पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े माहे हुए और ग्वादर पोर्ट का वर्चुअल इफ्त भी कर दिया गया है बन्नू में पुलिस लाइन पर दहशत गर्दी का वाक़ सामने आया है जहाँ पर पाँच दहशतगर्दों ने बन्नू पुलिस लाइन पर अटैक किया जिसमें चार पुलिस एहलकारों की शहादत हो गई है और पांच दहशत गर्द मारे गए हैं दहशत गर्द बुरका पहन कर रिक्शे में सवार होकर आए और एन उस वक़्त जब पाकिस्तान के दारकूमत इस्लाम आबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनका होने जा रहा है पाकिस्तान के तमाम शूबों में जगह जगह दहशत गर्दी लाठीचार्ज फायरिंग मुजाहरे इस तरह के वाक़ क्यों सामने आ रहे हैं क्या इसके तने बने कहीं और से मिलते हैं ये पाकिस्तान के मारूजी हालात ही कुछ इस किस्म के हैं इस पर बात करेंगे और आइनी तरमीम के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है मौलाना फजल रमान ने यह ऐलान कर दिया कि आयनी मसदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी है और हम इतफाक़ी राय के करीब पहुँच चुके हैं इसके अलावा एन पी ने अपना आइनी मसवदा सबमिट कर दिया है। और उनका मुतालबा ये कि खैबर पख्तनवासी खैबर का लफ्स हटा दिया जाए मौलाना फजल रमान ने जो मसवदा दिया था उसमें उन्हें सूद ख़त्म करने का मुतालबा किया और एम वली जो है वो खैबर हटाने का मतालबा करे इसके अलावा कल कराची में जो कुछ हुआ उस पर भी सिंध सिंधूमत का रद्दमल सामने आया एस एच ओ समेत दस ग्यारह एहलकार कर दिए गए तो सबसे सब पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े इशू की शंघाई तावन तनजीम कॉन्फ्रेंस जो है वो मंगल के रोज़ इस्लाम में शुरू हो रही है और इसमें जो एक अहम बात है वो दुनिया भर के अहम ममालिकदूर का पाकिस्तान के अंदर आना ऐसी वो इजलास है इस मौके पर पूरे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है और इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया को फूल प्रूफ इंतजाम की हदायत की गई है इसके अलावा वजारत दाखिला ने चीफ़ कमिश्नर और इस्लामाबाद के आई जी को मरासा लिखा और बताया कि इस्लामाबाद के, के दूध में कोई इजतम गैदरिंग लॉकडाउन मुजाहरा कुछ भी नहीं हो सकता और अगर कोई इस किस्म कोशिश करता है तो उसको बाय हुक एंड क्रुक रोकेंगे यानी ताकत का इस्तेमाल या ताकत के बग़ैर भी उसको रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे पूरे इस्लाम में फ़ौज जो है वो तैनात कर दी गई जगह जगह फ़ौज रेंजर और दीगर सिक्योरिटी के इदारे हाई अलर्ट हैं और इस सारी सूरत हाल का तल्लक एक तो सिक्योरिटी के हवाले से है कि बड़े बड़ी हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज इस्लाबाद के अंदर मौजूद हैं और इस शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस में एक हाई टेंशन वैसी कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में अगर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठे हों तो फिर आप सोचें कि टेंशन का आलम क्या होगा और अगर चीन भी भारत के मद्मकल बैठा हो तो फिर भारत का रद्द क्या होगा क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के मुखालफ कैंपों में सवर किए जाते हैं या भारत इन्हें अपना दुश्मन समझ जबकि हम भारत के हवाले से शायद इस किस्म के ख्याल नहीं रखते या हमारे ख्याल में उतनी शिद्दत नहीं है इंतहा पसंदी नहीं है जितनी भारतीय हकूमत या उनके लोगों में पाई जाती है तो बहरहल एक तो सिक्योरिटी का तल्लक इस्लाबाद में कॉन्फ्रेंस के हवाले से दूसरा पी टी आई के एहताज़ के वाले से पी टी आई ने मुतालबा कर रखा है कि इमरान ख़ान से हमारी मुलाकात करा दे तो हम एहत नहीं करेंगे अब ये सवाल जो है वो इस्लामबादा में हुकाम के सामने रखा गया ताकतवर लोगों के सामने रखा गया तरीके साहब ने वजारत दाखिला को बाबा दरख्वास्त दी कि उनकी इमरान ख़ान से मुलाकात कराई जाए उनको ख़दशा ये कि इमरान खान को आ, कुछ ना कुछ अजियत दी गई है या वो बीमार है या उनकी हालत ठीक नहीं है उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदे तर हाई में रखा गया है उनके साथ कोई बदसलूकी हो रही है तो बाहिर जो तहरीक साफ असर दे रही है उन्हें अपने चेयरमैन की बड़ी फिक्र है कि वो किस हाल में है और उनकी पिछले कुछ दिनों से वसीयतें भी सामने आ रही हैं उनकी हवाले से और भी बुरी बुरी खबरें ये खुद इंसाफ के कैंप से निकाली जा रही है ताकि उनके हवाले से तशवीशनाक जो है माहौल पैदा किया जाए और लोगों को प्रवोक किया जाए ये तहरीक इंसाफ का जो बड़ा पुराना तरीक़ेकार बड़ा पुराना एक स्टाइल है जिसमें वो अपने लोगों को इसी किस्म के हालात की पिक्चर दिखाकर प्रवोक करते हैं और चूँकि पाकिस्तानी कौम शॉर्ट टेम्पर्ड है वो जल्दी इश्तहार में भी आ जाती है और जल्दी रिएक्ट भी करते हैं, तो शायद ये रिएक्शन निकालने के लिए इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जा रहा है अब असल सूरत हाल क्या है जब ये बात सामने रखी गई तो हुकूमत किसी हद हाँ तक कम थी बहुत से गुज़रा इस बात पर कन्विंस थे कि क्या फ़र्क़ पड़ता है अगर इमरान खान से जाकर उनके डॉक्टर या उनकी पार्टी के चेयरमैन मिल लेते हैं और लोगों को बता देते हैं जी इमरान खान ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है जिंदा है जिंदा है तो वसीतें जारी कर रहे हैं ये सूरत हाल जब उनके सामने रखी गई जिन्होंने फैसला करना है जो ताक़तवर लोग हैं तो एक बड़ा आसान सा सवाल सामने रखा गया कि क्या इमरान खान से अगर मुलाकात होती है तो तहरिकन साहब ये एहताज मुलतवी कर देंगे जितना वो जानते हैं इमरान खान के बारे में शायदी को जानता हो तो उनका ख्याल ये है कि कैदी नंबर आठ सौ चार से अगर तहरकन साहब के रहनमाओं की मुलाकात करा भी दी जाए तो इमरान खान उनसे एहताज मुलतवी करने के लिए कभी नहीं कहेंगे इमरान खान बल्कि ये कहेंगे कि अपना एहताज जारी रखो क्योंकि ये एहताज उन्हीं के डायरेक्शन पर हो रहा है और वही चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही हो और सारी दुनिया के लोग आ रहे हो तो वो सारी अटेंशन जो है वो इमरान ख़ान अपनी तरफ खेचले तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी क्यों ना हो इवन यूनाइटेड नेशन का जब इजलास होता है तो उसमें बड़े ममालिक जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट होते हैं उनके नुमाइंदे होते हैं इसके बावजूद बाहर अगर छोटा सा मुँहाह भी होता है तो वह कहीं ना कहीं जगह ले लेता है कोई दस लोग भी मुज़ाहरा कर दें तो वो भी ख़बर होती है तो इस बात का इमरान खान को बखूबी एहसास है कि अगर पंद्रह बीस लोग भी डी चौक पहुँच गए और वहाँ पर कहीं किसी कुछ पेड़े चपड़े भी लग गई लाठियाँ वाठियाँ भी चल गई किसी एक की बॉडी भी गिर गई यानी कोई लाश भी गिर गई खुदा रहा कोई ऐसा वाक़ हो गया और अगर लोग ज़्यादा पहुँच गए तो और बड़ा वाक़ हो गया इदारे और लोग आमने सामने आ जाए तो ये खबर बड़ी बन जाएगी और सबर में ज़ाहिर है हाई लाइट कौन होगा इमरान खान होगा कभी इमरान खान की रहाई के लिए और इमरान खान के लिए लोग मुतालबा कर रहे थे फिर दुनिया जो इमरान खान के बारे में गौसब करेगी उनके बारे में बात करेगी और फिर उनके लिए कहीं ना कहीं हमदर्दी का फैक्टर पैदा होगा और वो अटेंशन सीख कर सकेंगे अटेंशन गें कर सकेंगे ख़ास उनके वो जो दोस्त उनसे नाराज़ हैं अमेरिका या बरतानिया उनमें से कोई ना कोई जो है वो उनके लिए किसी को कॉल कर देगा कि यार इमरान ख़ान के साथ ये क्या हो रहा है तो जब ताकतवर हलकों में ये बात डिस्कस हुई तो ये सूरत हाल सामने आई और ये सिचुएशन और ये रिजल्ट भी सामने आया कि इमरान ख़ान तो कभी नहीं कहेगा तो फिर फैसला किया गया कि इजाज़त ना दी जाए तो वजारत दाखिला की जानब से पहले कहा जा रहा था ये मीडिया में बात आई भी कि इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया गया मसल नकवी साहब की गौर से बात हुई एहतजाज के हवाले से भी और सिचुएशन के हवाले से भी और तहरिकन साहब ने यह भी कहा कि अगर आप नहीं मिलने देना चाहते बैरिसर गहर को या साहबजादा हामद रज़ा को तो डॉक्टर को मिलने दें या किसी और को इजाज़त दे दें मिलने की उनके फैमिली में से कोई चला जाए तो मोहसन नकवी साहब ने इस पर आमादगी का इजहार किया लेकिन बाद में फिर सिचुएशन तब्दील हो गई वजारत दाखला के तर्जमान ने इस हवाले से बताया कि वाकई वजार दाखला को बैरिसर गहर ने फ़ोन किया था और जो दरख्वास्त तो उन्होंने वजारत दाखलाओ को दी थी उस पर गौर करने के लिए दरख्वास की आ, तो मोहसन नकवी साहब ने यह वादा किया कि दरखास्त पर गौर करेंगे लेकिन मुलाकात की इजाजत की यकीन दहानी नहीं कराई गई थी तर्जमान के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ नाानसाफ़ी है ये दोहरे मैार और सलूक के ज़ुमरे में आती है फिलहाल अभी तक जब मैं भी लॉक कर रहा हूँ मामले में कतई तौर पर इनकार कर दिया गया अब या तो इमरान खान साहब की जानव से ये इश्योरेंस दी जाए कि वो अपने लोगों से मुलाकात करते हैं और उनको एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए कहेंगे तो ही बात आगे बढ़ सकती है क्योंकि इमरान खान के अलावा और कोई इसको कॉल ऑफ कर नहीं सकता तो वजीर अला खैर पथुना अली बिन गण्डापुर ने पी एमएस का इजलास बुला रखा था और उन्होंने अब मंगल के रोज डी चौक जाने का ऐलान कर दिया वो कहते इनकार हो गया तो अब हमारी तैयारी तो है हमारे लीडर से मतलब सूरत हाल क्लियर नहीं है आ, हमेशा की तरह हम तैयारी करके आते हैं हमेशा की तरह तैयारी करके आते हैं और हमेशा की तरह नामोरत चले जाते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं अब अली अमीन गंडापुर पर इन्हिसार करके क्या पी टी आई एक बार फिर इस्लाम पे पर चढ़ाई कर सकती है वैसे तो कहते हैं कि मोहम्मद जो है एक सुराख से दो बार नहीं डसा जा सकता मगर ये बात सिर्फ मोमन के लिए है तहरीन साहब के लोग तो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार अली मिन गडापुर के हाथों डसे जा चुके हैं तो फिर इनको अपना स्टेटस चेक करना चाहिए एक साफी ने सवाल किया क्योंकि अलीमिन गंडापुर कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए पंद्रह अक्टूबर को इस्लाबाद पे हमला नहीं करना चाहिए एहतजाज नहीं करना चाहिए हमला से, इन सेंस के जब आप कानून तोड़ते हैं तो फिर वो हमला ही होता है तो अब घोड़ा और घोड़े का मैदान हाजिर है देखते हैं तहरीन साहब मंगल को इस्लामाबाद में एहताज का वादा पूरा करती है उसे लान पर अमल कर पाती है ये नहीं कर पाती आ, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो है वो डंडे सोटे तैयार है और आ, मैंने आपको पहले बताया था कि इस मरतबा शायद आ, पहले से ज़्यादा सख्ती की जाए पुलिस को और फ़ौज को और रेंजर को जो इख्तियार है उनमें बड़ा फ़र्क होता है जो फ़ौज के पास इख्तियार होते हैं वो ये है कि किसी भी इंट्रोड्यूर को देखते गोली मार दी जाए तो अब तहरीक साफ जो है वो बंद गली में फंसी हुई है आ, उनकी तैयारी ना होने के बराबर थी एक्सपेक्टेड यही था कि हुकूमत अलाउ कर देगी और जान छूट जाएगी हम बहाना बना लेंगे जी आ, के इमरान खान से मुलाकात हो गई है वो ठीक ठाक हैं या जैसी भी उनकी तबीयत है तो अब हम नहीं जाएंगे लेकिन अब चूंकि ना हो गई है तो अब तहरीन साहब मुश्किल में पड़ी हुई है भागदौड़ चल रही है कि कौन क्या करेगा कल हमद अज़हर ने भी ऐलान किया था कि कप्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है और मैं इसलिए छुप के बैठा हुआ कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं मंजर याम पर आया तो मुझे मार दिया जाएगा मुझ पर तशद्द किया जाएगा हम अज़हर को किसी ने क्या मारना है मुराद सईद के बारे में कहा जा सकता है कि वो उनकी बड़ी शिद्दत से लोगों को तलाश है वो हते चढ़ गए तो शायद उनके साथ कोई ठीक ठाक उनकी साथ सलूक जाए इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि नवाजशिफ से किसी खातून ने मुलाकात की है, खातून आ, को और नहीं जानता उन्होंने मुलाकात की नवाजशिफ के साथ बरका दत्त जो है वो जेनवन साफी है और उन्हें पता के अंदर कोई सियासतदान है तो वो नवाजशिफ है वह जानती हैं बड़े अरसे पाकिस्तान के हालात को वो कवर करती रही है तो पाकिस्तान आए और वो नवाज शरीफ से ना मिले ये मुमकिन नहीं था तो पाकिस्तान वो आई हैं तो उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की है नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्लु की बहाली का ये कितना अच्छा मौका है शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस है अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ुद शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत करते तो कितना ही अच्छा होता नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान आते तो ये बड़ा अच्छा मौका था उनके लिए आइस ब्रेक करने का क्योंकि और तो कोई मौका बनता नहीं है ये कॉन्फ्रेंस ये सेमिनार और कुछ इस किस्म के इवेंट्स होते हैं जब आप आइस आपकी ब्रेक होती है और मुलाकातें हो सकती हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय वजीरा नरेंद्र मोदी और हम मुस्तबल करीब में दूरीों को कम करने के लिए मिल बैठने का कोई मौका हासिल करने में कामयाब होंगे तो बरक़ा दर्द ने नवाज शरीफ के बयान पर तबसरा भी किया है और उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की है एक्सक्लूसिव के नाम से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ लाहौर में वजे अला पंजाब के दफ्तर में हूँ उनकी तरफ से मुझे जो हौसला अफजा बयान मिला है मेरे ख़्याल में भारतीय विदेश खारजा जय शंकर के शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचने से पहले और बाद में भारत के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बास होगा तो नवाज शरीफ ने भारत के साथ कारगिल और भारत की तरक्की की तारीफ भी की है नवाज शरीफ के इंटरव्यू को इन हालात में आ, बड़ी अहमियत का हामल समझा जा रहा है इसके अलावा नवाज शरीफ की मुलाकात डॉक्टर झक़र नाइक साहब से भी हुई है इसके अलावा चीन के वजर अजम ली चांग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं मुलाकातें है हो चुकी हैं उनके वजी शबाज शिफ़ से मुलाकात हुई और इसके अलावा उनकी आर्मी चीफ़ जनरल आसम मुनिरर से भी मुलाकात हुई है इस्लाहाबाद में एक अफ्ताही तीर मुनदद की गई और उसमें ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑनलाइन अफ्ताह किया गया ये न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका वर्चुअल अफ्ताह किया गया असूली तौर पर तो ग्वादर में तकरीब होनी चाहिए थी लेकिन आपको पता कि है कि बलोचिस्तान और ग्वादर के हालात कैसे हैं तो बहरा सिक्योरिटी पर्पज़ से उसका वर्चुअल ही कर दिया गया आप पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो और दुश्मन जो है वो खामोश बैठा रहे हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में आप देखें आ, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बहुत सारे वाक़ हो चुके हैं वनों में जो कुछ हुआ जहाँ पर दहशत गर्दों ने हमला किया और फिर कल कराची में आ, दो तंजीमों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ उन्होंने एहताज किया था वो एक बड़ा नाशगवार था वही बड़ा नाहोशुवार वाक़ था लाहौर में भी इस किस्म का एक वाक़ पेश आया है और लाहौर का जो वाक़ है वो रिलेटेड करता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक तलबा से मुबैना तौर पर कॉलेज के जो गार्ड है और टीचर की तरफ से मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई है ये वाक़ कुछ दिन कबल पेश आया वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जब उनको पता चला तो उन्होंने रिएक्शन में एहतजाज किया मुजाहरेए उस पर जो है वो पुलिस ने लाठी किया डंडे मारे और इसमें तीस से ज्यादा लोग जख्मी हैं और आ, कुछ हलाकतों की भी गैर मुशदा तौर पर इतला है कोई कन्फर्म नहीं है कॉलेज के अंदर जो माहौल रहा वो एक क़ियामत शुरा था यानी जो आ, तालबात थी वो चूंकि कॉलेज के अंदर थी तो टीचर्स ने एहतजाज के पेश नज़र दर दरवाजे बंद कर दिए खिड़कियाँ बंद कर दी तो जो तालबा अंदर रह गई वो वहां पर चीखती चलाती और रोती रहीं तो बड़ा अजीबो गरीब माहौल वहाँ पर नजर आया तो पुलिस ने बहरहाल शदीद किस्म का लाठीचार्ज किया है जो तलबात हैं उनको भी डंडे मारे गए एक तलबा की हालत ख़राब है और एक तालब इलम जो है वो बी शदी ज़ख्मी है वैसे तो रेस्क्यू के मुताबिक जो गुलबर्ग बराज के बाहर मुजाहरा हुआ जहाँ तलबा तो पुलिस के दरमियान खासी आपस में मुठभेड़ हुई उसमें अट्ठाईस से ज्याद अफराद जो हैं वो ज़म्मी हुए हैं जख्मी में चार पुलिस एहलकार भी शामिल हैं अब ये पंजाब कॉलेज जो है वो दुनिया टी वी के मालिक है मियाँ आमिर महमूद और लाहौर के वो सबक मेयर रह चुके हैं आ, उनका कॉलेज है अब ये मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस खबर के हवाले से कुछ ज़्यादा आपको तफसीत नहीं मिलेंगी उसकी वजह है कि पंजाब कॉलेज की खबर अगर आज आ, किसी चैनल पर चलेगी तो कल कला को स्पीनियर कॉलेज की भी खबर चलेगी फिर लगोना सिटी की भी चलेगी गोरमी बेकरी की भी चलेगी सोने के समगलरों की, की भी खबर चलेगी किसी ठेके में किकबैक की भी खबर चलेगी क्योंकि अब जो टी वी चैनल के मालकान हैं उनमें ज़्यादातर यही लोग शामिल हैं कहते हैं ना मज्जा मज्जा दिन पैर ने इसलिए बहुत ज़्यादा तफसी नहीं है अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं ना वो बात जिसका जिक्र नहीं था पूरे फंसाने में जो तालबा है जिसके साथ ज़्यादती हुई जिसके साथ ये वाक़ पेश आया वो तालबा नहीं मिल रही आ, उस तलबा का नाम नहीं सामने आ रहा वो तालबा का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा वहाँ की सी सी टी वी फुटेज नहीं मिल रही कॉलेज इंतज़ामिया कहती है हमने चौकीदार को पकड़ लिया चौकीदार कहता है मैंने कुछ किया नहीं है मुझे कुछ पता ही नहीं है जो तलबा है वो कह रहे हैं जी कि कॉलेज का जो बेसमेंट है वहाँ पर किसी तालबा को रोका गया फ़ीस के बहाने जिसमें चौकीदार और टीचर शामिल थे बाद में उससे ज़्यादती हो गई और इस वाक़े का दो तीन रोज़ बाद पता चला जब वो तलबा क्लास में आई और उसने वाक़े को बयान किया बा कहते हैं कि जो तलबा है उसके वालदेन ने कह दिया कि हमारी बच्ची जो है वो सीढ़ियों से गिर के ज़म्मी हुई है तो इसमें पूरे वाक़े में जो पुलिस का मौका हुआ है वही कहते हैं कि हमें तो पता नहीं चल रहा वो तालबा है कौन यानी इतना बड़ा फसाद बरपा हो गया पूरा लाहौर जो है वो परेशान हो गया कि हम अपनी बच्चियों को कॉलेजों में भेजें या ना भेजें और क्या इतने बड़े जो कॉलेजेस हैं जहाँ सबसे महंगी तालीम दी जाती है और सबसे अच्छा निज़ाम तलीम भी उन्हें कहे इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं बहुत ही महंगी पढ़ाई है लेकिन तालीमी मैार भी बहुत अच्छा है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन ये अचानक सब कुछ क्या हुआ इससे पहले भी एक वाक़ दो हज़ार बारह में शायद पेश आया था इफ़ एम नॉट रॉन्ग एक फंक्शन uh, हुआ था पंजाब कॉलेज के जरिए तमाम म्यूज़िकल uh, फंक्शन था जिसमें आतफ असलम को गाना गाना था ये लमरा कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में हुआ था वहाँ पे भगदड़ मच गई और चूँकि मैनेजमेंट कुछ अच्छी नहीं थी और कंसर्ट uh, रख लिया गया आताफ असल उन दिनों uh, बहुत पॉपुलर थे और uh, पाकिस्तान के अंदर बड़ी सफोकेशन थी uh, कोई म्यूजिकल कंसर्ट बड़ी देर के बाद हो रहा था तो लोग टूट पड़े वहाँ स्टैम्पेड हो गया भगदड़ मच गई और तीन तालबात जो है वो जाबाक हो गई इस वाक्य को उस वक्त जो है वो पूरे मीडिया ने मिलकर दबाया क्योंकि मियाँ ना सिर्फ एक बिज़नेसमैन है बल्कि वो सियासतदान भी हैं और एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं उनका अखबार भी है टेलीविज़न भी है जो शायद इसी मकसद के लिए रखा गया था कि कोई ऐसा नावशगवार वाक़ पेश आए तो फिर उसको किस तरह जो है वो कवरअप किया जाता है इस, अब ये इतनी खौफनाक बात है कि इसको बयान कर तो ही बड़ा बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि तलबा की उम्र सोलह साल थी अब ये तो एक अच्छी बात है कि लाहौर कॉलेज के तलबा तलबा जो है वो एक सोलह साल तलबा के साथ ज़्यादा के वाक़ पे खड़े हो गए तो उससे लगता है कि हमारी जो नई नस्ल है वो किसी किस्म के लम ज़्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जो असल चीज़ है कि मुद्रा तो है ही नहीं किसी को पता ही नहीं कि असल हालात और वाक़ क्या है बस ये तो वो कहते हैं न कि अपना कान नहीं देखना और आपने कौवे के पीछे भागना कि कौवा कान ले गया या कुत्ता कान ले गया कुछ मिसाल ऐसी है तो ये कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं कान कोई नहीं देख रहा वो बच्ची कौन सी है अब कोई कहता है गार्ड बली का बकरा है अंदर की कहानी कुछ और है अब मेरा मौका ये कि कम अज़ कम वो जो तालबा है आ, उसको सामने आना चाहिए आ, उसके वालदेन को सामने आना चाहिए अगर ये इतना बड़ा वाक़ा हो चुका है तो उनको हक बयान करना चाहिए उनके बगैर कोई नहीं जानता ये वाक क्या है या फिर जिस शख्स ने ये हरकत की है वो इसको जानता है लेकिन जो वहाँ पे कॉलेज इंतज़ामिया ने अपने स्टूडेंट से ए, के ख़िलाफ़ जो रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन नाकबले माफी है वो बड़ी ज़्यादती है पंजाब कॉलेज को अपने स्टूडेंट पे लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था आ, वो उनके साथ किसी भी तरीके से बात करते आ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इन हालात में आ, वहाँ पे किसी ने आ, चिंगारी लगाई है किसी ने कोशिश की है कि किसी आ, ऐसे इदारे के अंदर चिंगारी लगाई जाए जिसमें हज़ारों तलबाओं अब पंजाब कॉलेज के आ, की बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं और इनके पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं सब जगह पर मुशतरका रिएक्शन आ रहा है इसके बाद ये हो कि तरीके साब के लोग वहाँ पहुँच गए और अब सोशल मीडिया पर आ, उनको पुशअप किया जा रहा है बकअप किया जा रहा कि, है कि स्टूडेंट्स पहुँचो इस्लाम हम तुम्हारे साथ हैं तो ये चिंगारी किसी यूथिया ने लगाई है तो ये साजिश है और अगर वाकई जाती हुई है तो फिर ये जो है वो ये भी साजिश है आ, मैं समझता तो हूँ कि और पुलिस ने जो कुछ किया वहाँ पे तो उसने तो मरीम नवाज़ की नाक कटवा दी है जब से वो वेर बनी है वो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही हैं के बहुत सी बातों पे मेरी रेजर्वेशन है आ, मैं चाहता हूँ कि वो काम जो असल करने के हैं वो करने चाहिए लेकिन जो काम वो कर रही हैं वो कम नहीं है वो आम आदमी नहीं कर सकता आ, उनकी बड़ी बारीक बीनी से नज़र है कुछ कामों के ऊपर और मेरा ख्याल और बड़ी देर से उन्होंने सोच रखा था तो मेरा ख्याल उनको प्रायोरिटी पर उन्होंने तरजीह दे रखी है किसी खातून के साथ ज्यादती तो मेरा ख्याल वो टॉलरेट ही नहीं करती और जिस तरह का ये वाकया हो गया है पुलिस को सब्र तमल से बर्दाश्त से काम लेना चाहिए पुलिस का काम हर जगह पर लाठी चार्ज करना नहीं होता अब बड़े इल्जाम लग रहे हैं मियाँ अमर के ऊपर कि वह यूथ ही है इसमें कोई शक नहीं कि उनका ताल्लुक रहा है मियाँ असल इकबाल <गण> उनके पार्टनर रहे हैं और अब भी शायद उनके पार्टनर हैं वो रुपोश ना होते तो अब भी दुनिया न्यूज़ में बैठे होते हैं वहीं पे उनका ऑफिस भी एक अरसे तक रहा है फिर इनका बेकरी का कारोबार सानझा है इनके और बड़े कारोबार सानझे पोल्ट्री का कारोबार सानझा है तो मियाँ अमर और मियाँ इकबाल दोनों बड़े करीबी पार्टनर हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये वो भी अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके कॉलेज के अंदर कोई इस किस्म की अनरेस्ट हो क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ी

तफ्तीश उन्होंने करनी करनी है कॉलेज बंद कर दिए गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन मनसूख की कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और अब ये वाक़ दो चार दिन बाद ठंडा भी हो जाएगा लेकिन मेरा हाल मरीम नवाज़ साहब को इसे सीरियसली टेकअप करना चाहिए और ताकि वो उस वाक़े के ऊपर जो उनके ऊपर दाग लग रहा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर के उनकी पुलिस ने तालबात को लाठी का निशाना बनाया वो दाग कम अज़ कम रफ्यूज़ हो सके मेरे पास बड़ी बात करने के लिए और मैं आपको सारी और सिर्फ ये वाक़ पेश नहीं है लाहौर में इसके साथ ही जैसे पंजाब कॉलेज में ये सब कुछ हुआ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी तालबात जो है वो जेल रोड पर आ गई उन्होंने भी एहतजाज किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है वो खुत को या जो तालबात है उनको हरासा कर रही है यूनिवर्सिटी इंतजाम ने बताया कि इंटरमीडिएट के तलबा ने एक क्लर्क की जानब से उसे हरासा करने की शिकायत जमा कराई थी तो पंजाब कॉलेज के तलबा तलबा का सड़कों पर निकलना लाहौर कॉलेज में तलबा का सड़कों पर निकलना यूथ कनेक्शन जो है वो साबित करता है तो मुझे लगता है कि ये यूथ को जो है प्रोवोक किया जा रहा है कि वो अपना रिएक्शन दें और अगर इस्लामाबाद में हम कुछ ना कर सकें तो कम से कम लाहौर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दें आ, जो कि टॉक ऑफ द टाउन बन जाए तो, तो पंजाब गवर्नमेंट को इस हवाले से अलर्ट रहने की ज़रूरत है तो अब तक के लिए इतना ही आपसे मुलाकात होती है अगले विग में अपना गर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा